राज इंडक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक को आपको देखना है और समझना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और मेरा समर्थन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर मेरा सपोर्ट करो। अगर मैं झूठ बोलूँगा इस वीडियो में तो मेरे को डिसलाइक कर देना वीडियो में और कमेंट में बताना कि सर झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो इंडक्शन आता है दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक सिल्वर काम करता है, ऑल मेटल काम करता है, उसको सब बर्तन इंडक्शन हम अपने हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। और जो हमारा एक इंडक्शन आता है जिसमें स्टील और आयरन काम करता है। तो जो हमारा सब बर्तन वाला इंडक्शन जो आता है ऑल मेटल होता है, हीटर टाइप का होता है, इसमें एक क्वाइल लगी रहती है इंडक्शन में, एक हीटर टाइप का क्वाइल लगी रहती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो इंडक्शन है ये स्टील बॉडी का है, क्या है स्टील बॉडी का, इसमें स्टील है और इसमें प्लास्टिक बॉडी का भी आता है। तो क्या होता है जो स्टील बॉडी का है इसको कैसे बनावट किया है, इसका डिजाइनिंग कैसे किया है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ऊपर से दूसरा कांच लगा है और इंडक्शन दूसरी कंपनी का है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था, लेकिन गलती से मैं क्या किया था, इंडक्शन को हाथ से छुआ तो इंडक्शन नीचे गिरा जिसकी कांच फूट गई। तो हमको तो कांच तो मिल नहीं रहा पूरी, तो हम यहाँ पर दूसरी कांच यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी क्या हुआ था कि जो स्टील का बॉडी आप देख रहे हो, यहाँ भी छूओगे आप इंडक्शन को, मान लो आप बना रहे हो कुछ, यहाँ से इसको छूओगे तो हो सकता है आपको बहुत इतना करंट मारेगा कि आपको उठना मुश्किल हो जाएगा इंडक्शन में। क्यों मारा करंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो वायर, ये मेन लीड वायर हो गया, आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से मैंने टच किया, ये दोनों वायर को मैंने टच किया। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखना यहाँ पे मैंने न्यूट्रल और फेस दे रहा हूँ। देखो हमारा इंडक्शन चालू हो गया, होगा ना भाई, यहाँ पे अभी यहाँ पे दोनों वायर दे दिया, चालू हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वायर रखूँगा और यहाँ पे बॉडी में एक वायर रखूँगा। देखो तो हमारा देखो इंडक्शन चालू हो जाएगा। ये देखो, अगर इसमें क्या इंडक्शन में पूरी फुल करंट आ रही है, पूरी फुल करंट, अगर आप इंडक्शन को लगा के अगर हाथ से यहाँ पे पकड़ोगे ना तो इतनी जोर से करंट मारेगा कि आपको आप समझ रख रहा हूँ। और एक बार इसके रख रहा हूँ तो चालू हो जा रहा है। अगर ये बॉडी प्लास्टिक की रहती तो मैं 100% में 99% बोल रहा था कि करंट कभी नहीं आती। तो एक गलती हमारी है और आपकी है कि जो हम इस इंडक्शन को बेचते हैं और खिलवाड़ करते हैं किसी की लाइफ से। और इस इंडक्शन में वैसे ही खतरा हुआ था कि कस्टमर के घर में इतनी करंट मारा था जोर से कि वो जो महिला थी वो खाना बनाने में बेहोश हो गई थी। आप सच बता रहा हूं, अपनी कसम बता रहा हूं, विश्वास करो। और मेरे पास जब आया बनने के लिए तो मेरे को भी कोई नहीं बताया, जैसे मैं इसको कैसे छुआ और लगाया इतना जोर से करंट मारा कि इंडक्शन नीचे गिरा और इसका ग्लास फूट गया। तो ये जो हम लोग गलती करते हैं, हमारी गलती है और आपकी गलती है। ये जो स्टील बॉडी आप इंडक्शन देख रहे हो, अभी आपको मैं इसमें खोल के बताऊंगा कि एक छोटी सी प्लास्टिक में इसका पीसीबी को टाइट किया है। अगर वो प्लास्टिक जल जाएगी तो पूरी बॉडी में करंट आ सकती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा खतरा है और आपका खतरा है। तो मैं आपसे इतना ही विनती करता हूँ भाई कि जो आप इंडक्शन बेचते हो या आप लेते हो तो इसको देखो। क्योंकि क्या होता है, बहुत कोई समझता है सर ये स्टील बॉडी है ख़राब नहीं होता होगा, लेकिन अपने लाइफ से खिलवाड़ करोगे। स्टील बॉडी तो ख़राब नहीं होगा लेकिन अपने लाइफ से खिलवाड़ करोगे अगर इसके अंदर में प्लास्टिक, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, मान लो खाना बनाते हैं, खाना बनाएंगे तो इसको पकड़ के ही बनाएंगे ना। और हमारे किचन में, हमारा भारत का संस्कार है कि हमारे किचन में खाली पैर में ही आदमी खाना बनाता है, चप्पल पहन के नहीं, जूता पहन के नहीं बनाता, खाली पैर में बनाते हैं। अगर कोई खाली पैर है उसको पकड़े तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो बच पाएगा, इतनी ज़ोर से करंट मारेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी इंडक्शन को आप लेते हो या बेचते हो तो कस्टमर को देख के बेचो करो और थोड़ा सा समझ के दिए करो कि भाई किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा जरूर समर्थन करना है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। और हमारे कस्टमर लोग अगर वीडियो देखते हैं तो आप इस टाइप के इंडक्शन लेने जाते हो तो मैं आपसे हाथ से विनती करता हूँ कि आप लो सब बर्तन वाला इंडक्शन लो, लेकिन स्टील बॉडी मत लो, आप लो प्लास्टिक बॉडी में लो और देखो। क्योंकि ये इंडक्शन में क्या होता है, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखना, दो मिनट आपको मैं खोल के बता रहा हूं इसके अंदर का पीसीबी क्या है और कैसे इस कंपनी वाले ने फिट करके रखी है, राइट। तो आप देख रहे हो ये पीसीबी यहां पे क्या किया, कंपनी वाले ने प्लास्टिक की बॉडी, छोटी सी प्लास्टिक की बॉडी एक रख के यहां पे टाइट कर दिया। अगर हो सकता है कुछ दिन बाद प्लास्टिक की बॉडी गल जाए, क्योंकि ये जो इंडक्शन है हीट होता है, ये क्वाइल जो होता है रेड होती है, पूरी रेड होती है, तो पूरी क्या होता है कहीं मान लो गल जाए तो हो सकता है पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा चलते चलते। तो हमारे लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं उन लोग। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखो और अच्छा लगता है तो आप जो कस्टमर को आप बेचते हो तो उनको देखो समझो। और आप इसके बदले में प्लास्टिक की बॉडी आती है सब बर्तन में उसको बेचना
बेचना शुरू करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कैसे इसमें कैसे करंट आ रहा है पूरी, जो हम एक वायर यहाँ पे देंगे और एक वायर बॉडी में देंगे तो हमारा इंडक्शन कुकर गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है और समझना है और मेरा समर्थन जरूर करना है आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया, देखना, एक वायर को सबसे पहले मैं यहाँ स्टील बॉडी में देता हूँ, एक वायर को यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो इंडक्शन चालू हो गया। और यहाँ पे अगर बताएंगे देखो पूरी करंट आ रही है इसके अंदर में। अगर मैं छू दूंगा आपको यहाँ से तो देखो कितनी जोर से करंट मार सकती है, राइट। तो देखो देखो इस वीडियो को समझो और अब अधिक से अधिक शेयर करो, हर दोस्तों के पास शेयर करो कि रिपेयरिंग वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो क्या है, आपकी जान और मेरी जान बचाने के लिए है। और उन लोग के पास शेयर करो जो इंडक्शन यूज करते हैं सब बर्तन में स्टील बॉडी का। आप मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब बर्तन इंडक्शन यूज मत करो, करो, लेकिन प्लास्टिक बॉडी का यूज करो। अगर ये प्लास्टिक का रहता तो करंट नहीं आता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो छोटी सी है। मैं लास्ट में आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले वायर, यहाँ पे मिलनेट वायर आया है। ये क्या हुआ है देखो, यहाँ पे वायर के साथ में इसमें धार, इतनी धार है कि वायर कट के टच हो गया है। क्या वायर कट के टच हो गया है? अगर आप मान लो यहाँ पे दोनों वायर कट के टच हो जाता तो शॉर्ट बताती, लेकिन एक वायर कट के टच हुआ है। तो आपको समझना है, देखना है और मेरा समर्थन करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो मेरा लाइक, मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना कि इस वीडियो हर किसी के पास पहुंचे और हर किसी का जान बचे, राइट। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को ज़रूर माफ़ करना और क्षमा करना, राइट।